हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो हम सत्या नारायणा से कर रहे हैं और एंजाइम्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज का टॉपिक है एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स अब देखिए एंजाइम्स जो हैं दे आर बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूजुअली दे आर बिग इन साइज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट आपको पता है अब हम आमिन uh, I mean पिछली मेरा खाले तीन चार वीडियो से वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनजाइम्स इन सबस्ट्रेट सो देर इज एनजाइम एंड इट वर्क ऑन समथिंग विच इज नोन एज सबस्ट्रेट सो ई प्लस एस ये कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं अब सबस्ट्रेट यूजली एक स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है सो फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट um, uh, की एक वेरिएबल लेंथ होगी प्रोटीन की एक वेरिएबल सो दीज आर सबस्ट्रेट जिन पर इंजाइम काम करेंगे और जो इन्जाइम्स होते हैं दे आर कंपेरेटिवली कम्पेरेटिव टू द दबस्ट्रेट दे आर बिगर मोलिक्यूल्स अब होता यह है कि अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ह्यूज इंजाइम मोलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द दबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड द प्रोसेस ऑफ वट एवर द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड पूरे का पूरा इंजाइम ऑब्वियसली सबस्ट्रेट के साथ इंट्रैक्ट नहीं करता सो so वो पॉइंट

k portion active site enzyme ka, ya ye wala portion active site so there are some salient features which is important for uh, you to remember the existence of active sites is due to the tertiary structure of the protein resulting in three-dimensional native formation so every protein molecule usually you know have a primary secondary tertiary structure or tertiary structure may some specific exposed areas which are able to interact with the substrate so that's the first property uh, which is the tertiary structure of that particular enzyme which makes uh, you know some active sites enable uh, and uh, able to basically interact with the substrate the second property is that the active site is made up of amino acids which are far from each other in linear sequence of amino acids for instance the enzyme lysozyme enzyme example di hai which has about 129 amino acids the active sites is formed by the contribution of amino acid numbered 35 52 सिक्सटी टू एंड 101 सो so, अब ये जरा समझो इस बात को कि अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्टडी करें और यहाँ अमाइनो एसिड्स को नंबर करें सो देयर इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड देन देयर इज हंड्रेड अमीनो एसिड बिकॉज दैट द लेंथ ऑफ दिस प्रोटीन अब वन अमीनो एसिड उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन तक ठीक है अब इसमें अगर आप नंबर्स आइडेंटिफाई करें अमाइनो एसिड नंबर थर्टी फाइव फिर अमाइनो एसिड नंबर फिफ्टी टू फिर अमाइनो एसिड नंबर 62, 63 एंड अमाइनो एसिड नंबर 101। अब अगर लीनियर स्ट्रक्चर में देखो तो ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से काफ़ी दूर है लेकिन होता है, ये है इन प्रैक्टिकलिटी कि ये प्रोटीन चूंकि इस तरह से फोल्ड होती है तो फोल्डिंग के साथ दिस कैन बी द एरिया जिसमें ये सारे अमाइनो एसिड एक साथ होंगे सो अमाइनो एसिड नंबर थर्टी फाइव फिफ्टी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी टू वन ओ वन एंड दे ऑल क्लम्प टूगैदर एंड दे फॉर्म द एक्टिव साइड So it's the beauty of the tertiary structure of the protein which makes the active side of the amino acid. Okay. The third characteristic which you have to understand is that the active sites are regarded as clefts or surfaces or pockets which occupy a small region of the big molecule enzyme. So if you look at the diagram here, so this is the whole big um, enzyme, the protein molecule, and within this enzyme there is usually a cleft, and they, the active sites, they are cleft-like structures okay and one enzyme can have more than um, one uh, for example active site quick example okay, is particular protein mein, this is the active side is particular protein mein, this is the active side and this is the active side okay right the next characteristic of active side that active side is not a rigid uh, thing

The active site possesses a substrate binding site and a catalytic site. Now, that's an important concept to understand. The later is for the catalysis. So, usually, the active site is. इसमें एक पॉइंट वो होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा सो सिर्फ फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट जहां सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है और फिर दूसरा एक पॉइंट होगा जहां से एक्चुअली केमिकल रिएक्शन मॉनिटर होगा सो देयर इज द दबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट व्हिच इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द कैटालिटिक साइट ऑन द एक्टिव साइड ओके देखें वी आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट इंजाइम और इंजाइम की एक्टिव साइट की हम बात कर रहे हैं पूरा इंजाइम काम नहीं करता एक पर्टिकुलर पोर्शन रिएक्शन करवाता है और उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट और उस एक्टिव साइट की अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स द को और को फैक्टर्स

अगर ये बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होते ना तो बड़ा मसला होता ठीक है नाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट्स अब ये जैसे हम रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं ना कि से फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ सेल एंड इट हैज़ यू नो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक रिसेप्टर है जिसकी एक स्पेसिफिक शेप है तो इस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन या लाइगेंड आके बाइंड करेगा अगर मेरे पास इस तरह का राउंड शेप्ड रिसेप्टर है तो इस पर स्क्वायर शेप्ड लाइगेंड बाइंड नहीं करेगा सो so इसको हम दूसरे आसान जबान में वी ऑल्सो समाइम रेफर दिस टू एज की लॉक मॉडल की लॉक मॉडल का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर लॉक पर एक पर्टिकुलर की लगेगी इसी तरह एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर एक पर्टिकुलर लाइगेंड बाइंड करेगा बिल्कुल ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंजाइम के एक्टिव साइट पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा सो दे वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन ओके द कॉमनली फाउंड अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट्स अब ये सुने मतलब ये कॉमनली फाउंड है इट्स नॉट अ रूल ऑफ थम यानी ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ ऐसी ही होती है दे कैन बी वेरिएशंस बट यूजअली बॉल हैपन्स कि जो इन्जाइन्स के एक्टिव साइट्स हैं यानी ये जो क्लेफ्ट हैं इनमें कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं सीरिन स्पार्टेड हिस्टेडीन सिस्टीन लाइसिन दिज आर द कॉमनली फाउंड अमीनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट और इन सब में सबसे जो कॉमनली फाउंड है वो सीरीन अगर एग्जाम में आपसे पूछें कि भाई एक्टिव साइड पर कौन से एंजाइम्स होते हैं किसी का नाम नहीं याद आ रहा तो सीरीन का नाम तो याद होना ही चाहिए बॉस ओके नाउ द एंजाइम एट द एक्टिव साइड ये बता आपको समझ में आ गई है कि इट इज़ द एक्टिव साइड जिस पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा राइट एंड देर फॉर इट फॉर्म्स द इनजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यू नो दैट ई इज फॉर एनजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज फॉर एस एंड दे बाइंड विद ईच अदर फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट Uh, which is called the enzyme substrate complex and then this breaks down into enzyme and in the products. So chemical reaction happens. okay. Now the important point and the enzyme is free. enzyme is free for, for the reaction. A this substrate enzyme is thatbinloride it is binding on the active side. It is binding with a weak uh, non-covalent bond. These are all important information. ओके okay? सो so, अगर ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया कि एक्टिव साइट्स के क्या क्या स्पेसिफिक्स हैं तो आपको बहुत सारी और बातें समझ में नहीं आएगी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एंगजाइम इनहिबिशन की तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनहिबिशन एक एंजाइम है जिसको आपने इनहिबिट करना है बॉडी में देर आर सम फैक्टर्स देर आर वायरल प्रोटीन्स समटाइम्स देर आर बैक्टीरियल प्रोटीन्स विच काइंड ऑफ इन्हीबिट दी एक्टिविटी सो वो जो इन्हीबिटर्स हैं दो इनिबिटर They will also be interacting with the active sites. So active sites. री वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडर स्पेसिसक बॉन्ड्स के, के जरिए होती है रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑन इंजाइम ठीक है तो आई होप आप लोग पूरी प्ले लिस्ट देख रहे हैं इंजाइम्स की दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप बिट बाय बिट हर वीडियो को फॉलो करते जाएँ क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होती है उसमें प्रीवियस वीडियो से लिंक्स होते हैं सो आई अज्यूम दैट यू आर स्टारिंग दिस वे ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट आपसे मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्जाइम इनहिबिशन सो स्टेट ही ओंड एंड सब्सक्राइब दैनल हिट द बेलाइक एंड शेयर द वीडियोज विद योर कॉलेक्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ